हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने जा रही हूँ एक हॉल वीडियो। मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया है नायका, पर्पल, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से। मैंने दिवाली ऑफर में वो ख़रीदा है एंड वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल गया था। वो सारे प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये, दिस इज़ गुड वाइब्स ग्रीन टी ग्लो टोना। एंड गुड वाइब्स का प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, इसलिए गुड वाइब्स का प्रोडक्ट मैं खरीदता रहती हूँ। एंड ये नो पैराबेन्स है, नो अल्कोहल है। एंड इसका जो प्राइस है ये है 195। इस पर मुझे डिस्काउंट मिल गया था। आई गेस मैं ओरिजिनल प्राइस एंड डिस्काउंट देने के बाद ऑफ़र प्राइस आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो। एंड इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑल्सो आई हैव फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स। ये है गुड वाइब्स लेमन ब्राइटनिंग शीट मास्क। इसका जो नेट वॉल्यूम है ये है 20 ml। मैं शीट मास्क पहले कभी यूज़ नहीं किया है, अभी एक भी शीट मास्क मैंने यूज़ नहीं किया है, बट पहला ट्राई मुझे गुड वाइब्स का ही करना है क्योंकि गुड वाइब्स का प्रोडक्ट मुझे सूट करता है इसीलिए। सो ये गुड वाइब्स का लेमन ब्राइटनिंग शीट मास्क है। इसका यूज़ पीछे यहाँ पे लिखा है। एंड इसका जो प्राइस है ये है 99 रुपीज़। आई गेस इस पर भी मुझे ऑफ़र मिल गया था। सो दिस इज़, अभी तक मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है, यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस गुड वाइब्स रोज़ फेस मिस्ट। दिस इज़ नो पैराबेन्स एंड नो अल्कोहल। एंड इसका जो स्मेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस वो है 150 रुपीज़। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्किन पर जब आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है ये। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस ममाअर्थ ऑनियन हेयर मास्क। मैंने इसे एक बार ही यूज़ किया है एंड उतना सा ज़्यादा इफेक्ट ना मुझे नहीं दिखा है। फिलहाल मैंने एक बार यूज़ किया है, 2-3 बार यूज़ करूँ तो शायद मेरा जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो वो शायद थोड़ा सा रिड्यूस हो। एंड ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड विथ बायो एक्टिव्स। ओके, सो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ये है 599 रुपीज़। आई गेस इस पर मुझे ऑफ़र मिल गया था। इसका जो इनर पैकेजिंग है वो मैं आप लोगों को खोलकर दिखा देती हूँ। सो इट्स लुक्स लाइक दिस। एंड प्रोडक्ट जो है वो मैं खोलकर दिखा देती हूँ आप लोग, दिस वन। सो फिलहाल मैंने एक ही बार यूज़ किया है एंड मेरे बालों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है प्रोडक्ट। सो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है। अभी 2-3 बार यूज़ करूँ, मेरा जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो शायद रिड्यूस हो जाए, इसी होप के साथ मैं इसे यूज़ करूँगी। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दैट गुड वाइब्स चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। इसका जो नेट क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम। ये नो पैराबेन्स, नो सल्फेट्स एंड क्रुएल्टी फ्री है, नो मिनरल ऑयल। मैंने पील ऑफ मास्क यूज़ किया है वो था VLCC का। गुड वाइब्स का फ़िलहाल मैंने अभी भी यूज़ नहीं किया है एंड इसे भी मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है अभी भी। एंड शायद ये अच्छा ही होगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस हिमालया रिच कोकोआ बटर बॉडी क्रीम। एक्चुअली विंटर आ रहा है इसीलिए मुझे ये चाहिए था। एंड इसका जो प्राइस है वो है 270 रुपीज़। एंड इसका जो नेट वॉल्यूम है ये है 200 ml। काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी सारा प्रोडक्ट है इसमें एंड प्राइस भी ठीक ठाक ही है मेरे ख्याल से। सो मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को, दिस वन। कितना दिखाई दे रहा है पता नहीं, बट ये जब आया था ये पूरा भरा था। मैंने यूज़ किया है इसे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है ये। आपके बॉडी जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं वो जगह बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहता है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ये। सो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस ये एकदम परफेक्ट है। ओके, सो स्किन केयर प्रोडक्ट एंड हेयर प्रोडक्ट इज़ डन। अभी मूव ऑन करते हैं डायरेक्टली मेकअप प्रोडक्ट्स की ओर। सो फर्स्ट आई हैव दिस नायका प्रेमिया फेस प्राइमर। एंड इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 30 ग्राम। सो दिस वन मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है अभी भी। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव अगेन फ्रॉम नायका। दिस इज़ नायका SKINgenius फाउंडेशन। एंड इसका जो नेट क्वांटिटी है वो है 30 ml। ये फाउंडेशन मैंने एक बार यूज़ किया है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये। मैंने लास्ट वीडियो में मेरा यूज़ किया था इसे। ये बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देता है एंड कवरेज भी इसका मीडियम टू हाई है। बहुत ही अच्छा है ये फाउंडेशन। अगर आप सोच रहे हो फाउंडेशन लेने की, सो गो फॉर इट। मैं तो सजेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा है। ये जो मेरा शेड है वो है 03 वार्म सैंड एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका इनर पैकेजिंग इज़ लाइक दिस। बहुत ही छोटा सा है लेकिन ये 30 ml प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है इसमें। सो ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव अगेन अ फाउंडेशन। दिस इज़ लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। ये परफेक्ट कवर लिखा है लेकिन कवरेज इसका शेयर टू मीडियम है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आप बिल्ड कर सकते हो इसे। एंड ये जो मेरा शेड है ये है न्यूट्रल मीडियम N220 न्यूट्रल मीडियम। इसका जो प्राइस है वो है 475 रुपीज़ एंड इसका जो नेट क्वांटिटी है वो है 25 ml। सो दिस इज़ द फाउंडेशन। मैंने एक बार ही इसे यूज़ किया है एंड मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू इस प्राइस इट्स ओके फाउंडेशन। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस Elle 18 लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। मुझे ये काफ़ी दिनों से चाहिए था क्योंकि 100 रुपीज़ में आता है ये फाउंडेशन। इस पर मेरा जो शेड है ये है 01 पर्ल। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 27 ml। फ़िलहाल मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है, पता नहीं है इसका कवरेज। और ये मैं थोड़ा सा मेरे हैंड पे यूज़ करके देखती हुई ये कैसा है। ओके सो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इजीली ब्लेंड हो जाता है लेकिन कवरेज इसका मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया है। कवरेज बिल्कुल शेयर है बट डेली बेसिस के लिए आई थिंक ये फाउंडेशन अच्छा है एंड 100 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू इस प्राइस मेरे ख्याल से ये फाउंडेशन ठीक ठाक ही है। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस नायका ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर। ये जो शेड है ये है 03 बेज। इसका जो नेट क्वांटिटी है वो है 8 ग्राम एंड इसे मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कॉम्पैक्ट लेना सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फिनिश देता है ये आपके स्किन के ऊपर। एंड इसका इनर पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ। सो इसका इनर पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे आप लोगों को एक गुड क्वालिटी का मिरर मिल जाएगा एंड एक पफ भी मिलेगा एंड यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर भी है। सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने एक बार यूज़ किया है एंड बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है ये स्किन के ऊपर। सो मुझे ये कॉम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस इनसाइट बनाना लूज पाउडर एंड ये जो इसका जो प्राइस है ये है 180 रुपीज़। इस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। ये इसका इनर पैकेजिंग आप लोगों को दिखा देते हो। सो इसका इनर पैकेजिंग इज़ लाइक दिस। मुझे खास करके इसका इनर पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं लगा है। आपको यहाँ पर एक स्टिकर मिल जाएगा, इसको उठाना होगा, देन प्रोडक्ट को यहाँ पर लेना होगा, देन आपको फेस पर अप्लाई करना होगा। सो ये काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हो। अदरवाइज़ आपको प्रोडक्ट आपके हैंड के ऊपर लेना है, देन पूरे फेस पर अप्लाई करना है। सो इसका पैकेजिंग इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एंड इसका जो नेट क्वांटिटी है वो है 40 ग्राम। अदरवाइज़ मैंने अभी तक फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है। मैं जब वीडियो में यूज़ करूँगी तब मैं आपके साथ इसका जो रिव्यू है वो शेयर करूँगी। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट एंड यहाँ पर आपको दो एक डार्क ब्राउन एंड एक लाइट ब्राउन शेड मिल जाएगा एंड एक वॉक्स क्रीम मिल जाएगा। यहाँ पर एक ब्रश एंड ये मिल जाएगा आप लोगों को। ये जो ब्रश है इसके ऊपर स्पूली भी मिल जाएगा। सो ये मैंने यूज़ किया है एक बारी। सो बहुत ही अच्छा है। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस नायका स्मोकी एट 8 आई शेडो पैलेट एंड ये जो आई शेडो पैलेट है इसका जो शेड्स है वो आप देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खास करके अगर आप स्मोकी आई क्रिएट करना चाहते हो। सो ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई भी आई लुक के लिए ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट खास करके स्मोकी आई अगर आप क्रिएट करना चाहते हो सो ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका मैं अभी स्वाच आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, इसका मैं अलग एक रिव्यू करूंगी। सो वहाँ पर मैं इसका स्वाच एंड ये जो शेड्स है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस मेकअप रिवोल्यूशन ट्रायो पैलेट। मतलब कि इस पर ब्रॉन्जर, हाईलाइटर एंड ब्लशर है। मुझे ऐसा पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जिस पर ये तीनों भी हो, अलग अलग पैलेट यूज़ नहीं करना पड़ता है इससे। सो ये ब्रॉन्ज़र मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है एंड हाइलाइटर भी, ब्लशर भी ठीक ठाक ही है। मैं इसका स्वॉच आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दिस इज़, आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है वो फ़िलहाल मुझे पता नहीं है। ये जो है ये ब्लश है, ये ब्रॉन्ज़र है एंड दिस वन इज़ द हाईलाइटर। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ये पैलेट फ़िलहाल मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है, अभी भी मैं यूज़ करूँगी एंड देन मैं आप लोगों के साथ इस शेयर करूँगी। इसका प्राइस जो है वो है 850 रुपीज़। मुझे इस पर ऑफ़र मिल गया था एंड मैंने इसे पर्पल से ख़रीदा है आई गेस। सो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव ऑल्सो अ ट्रायो पैलेट। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कनाडा ऑल टाइम प्रो फेस पैलेट, 3-in-1 हाइलाइटर, ब्रॉन्जर एंड ब्लश। एंड ये पैलेट मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था, मतलब कि मैंने जब भी देखा था ये पैलेट मुझे तब बहुत ही अच्छा लगा था एंड देन उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को मैंने इसे यूज़ करते हुए देखा था, तो तब से मुझे ये चाहिए था। लेकिन इसका प्राइस है 900 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए जब भी दिवाली पर मुझे ये ऑफ़र पे आई गेस 599 में दिखा तभी मैंने इसे परचेज़ कर लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये पैलेट, इसे मैंने एक बार ही यूज़ किया है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इस पर एक ब्रॉन्जर है एंड एक ब्लश एंड दिस वन इज़ द हाइलाइटर एंड इसका भी स्वॉच मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द स्वॉच, ये ब्रॉन्जर एंड दिस इज़ द ब्लश एंड दिस इज़ द हाइलाइटर। तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये पैलेट। अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसा एक पैलेट आप इजीली ले सकते हो अगर आप खरीदना चाहते हो तो, क्योंकि इस पर ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर है। आपको अलग अलग पैलेट को ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही पैलेट। अगर आप कहीं पर जा रहे हो सो एक ही पैलेट कैरी कर लो, सो देन ओके। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये पैलेट एंड इसका लिंक जो है वे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप चाहो तो आप भी परचेस कर सकते हो। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस स्टेक वेरकी का चिकी गर्ल्स ब्लश। ये जो है ये है कोरल चिक 5। सो दिस वन, ये काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग जो है बहुत ही क्यूट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये एंड इसका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैंने एक बार यूज़ किया है इसे एंड काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है ये। सो दिस इज़ द स्वॉच, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड अनदर वन, दिस इज़ अगेन स्टेक वर्की, इसका जो शेड है एप्रिकॉट बेब 2। सो इसे मैं ना एज अ ब्लश नहीं यूज़ करूँगी, एज अ ब्रॉन्जर मैं इसे यूज़ करूँगी, आप देख सकते हो। एंड ये जब आया था मेरे पास तब ना ये पैलेट ब्रोकन था, पहले जब आया था। सो मैंने पर्पल से कहा कि जो ब्रोकन पैलेट आया है, सो उन्होंने इमीडिएटली अंडर 2 to 3 डेज़ के अंदर ये रिप्लेस कर दिया एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ। सो दिस वन, इसका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये। दोनों ही ब्लश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड देखने में भी बहुत ही क्यूट है, पैकेजिंग भी इसका बहुत ही अच्छा है। ओके, नेक्स्ट वन आई हैव दिस मेबेलिन फिट मी ब्लश एंड मैंने ब्लश काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा है इस बार। सो दिस, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा इसमें शिमर पार्टिकल्स है, जब आप अप्लाई करते हो तो उतना सा ये नहीं दिखता है शिमर पार्टिकल्स जो। सो दिस वन, ये भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस ब्लू हेवन शिमर मैट ब्लश, इसका जो शेड है वो है 503 एंड ये जो है इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़ एंड इसका इनर पैकेजिंग इज़ लाइक दिस। इसका जो कलर है ना वो डिप पिच टाइप का कलर है, आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। दिस वन, ये ब्लश मुझे उतना पसंद नहीं आया है क्योंकि इस पर शिन पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा शिमरी है ये ब्लश। सो मुझे ऐसा ब्लश उतना सा अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी अच्छा है आई गेस। मैंने इसे यूज़ नहीं किया है सो जब यूज़ करूँगी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट पैकेजिंग भी इसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सो यस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव अगेन ब्लू हेवन। दिस इज़ ब्लू हेवन सिग्नेचर प्रोफेशनल वाइब्रेंट ब्लश पैलेट। ये इसका जो शेड है ये है 04 एंड इसका इनर पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ। ये 4 ब्लश आता है इस पर। सो दिस इज़ द 4 शेड्स एंड ये काफ़ी मैंने पहले इसे यूज़ किया है एक बार। ये पिगमेंटेशन इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे खास करके पिगमेंटेशन अच्छा नहीं लगा है। बहुत ही सारा आपको अप्लाई करना होगा एंड बहुत टाइम लेके इसे बिल्ड करते ही जाना होगा क्योंकि पिगमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। बट फिर भी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, इसका प्राइस है 175 रुपीज़। 175 रुपीज़ में आपको 4 ब्लश मिल जाएगा जो कि विच इज़ अ ग्रेट डील आई थिंक। सो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, बट फिर भी अगर प्राइस के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो 4 ब्लशेस तो आप ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन आई हैव दिस NY बेक काजल। ये जो काजल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये एक पैकेट में आया था बट मैंने इसे फेंक दिया है। बट मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था इट्स जस्ट वाओ, मतलब कि एक ही स्ट्रोक में इतना ज़्यादा डार्क है। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सो इस पर आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव मस्कारा। दिस इज़ द मेबेलिन द फॉल्सेस लैश लिफ्ट वाटरप्रूफ मस्कारा एंड ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये लैशेस को सेपरेट करता है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसे एक बार ही अप्लाई किया था एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। सो दिस इज़ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस मिस क्लेयर ड्यूई फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे फॉर फिक्सिंग मेकअप। मेरे पास मेकअप फिक्सर था लेकिन ड्यूई फिनिश वाला एक भी नहीं था, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है। डेली बेसिस पे ड्यूई फिनिश मुझे अच्छा लगता है कि मेरा स्किन जो है वो थोड़ा सा ड्यूई दिखे, दैट्स वाई मैंने इसे परचेस किया है। फ़िलहाल मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है अभी भी, सो यूज़ करूँगी एंड देन आप लोगों को बताऊँगी। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दिस पर्पल मिनी लिपस्टिक। ये जो इसका जो शेड है वो है माई फास्ट फोटोशूट 26 एंड 1.6 ml इसका नेट क्वान्टिटी है एंड ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। थोड़ा सा डार्क कलर है ये एंड इट्स दिस, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये एंड पैकेजिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस टेकवर की मिनी लिपस्टिक। इसका 12 पीस का सेट आता है एंड इसके बारे में ना मैं ब्रीफली आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, बाद में मैं इसका एक अलग रिव्यू करूंगी। एंड ये जो मैंने लिया है ये है किट नंबर 05 इंटेंस किसिंग सेशन एंड इसका जो प्राइस है वो है 400 रुपीज़, 399 रुपीज़। मैंने इसे ख़रीदा है 199 रुपीज़ में, विच इज़ अ ग्रेट डील। मैंने सीधा हाफ प्राइस में ख़रीदा है इसे। सो इसका इनर पैकेजिंग कुछ ऐसा है, 12 पीसेस का लिपस्टिक का जो शेड है ये है एंड इसका मैं स्वॉच एंड हैंड स्वॉच लिप स्वॉच एंड इसका रिव्यू मैं अलग से करूँगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखो तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो सो इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो। बहुत सारा लिपस्टिक आप कैरी करना नहीं चाहते हो सो एक ऐसा पकड़ो एंड देन चलो। काफ़ी ज़्यादा शेड भी है इसमें, सो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस कलरलेस फॉल्स आई लैशेज। ये आई लैशेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको इस पर नेचुरल आई लैशेज एंड ड्रामेटिक दोनों मिल जाएगा एंड इसके साथ ना एक ग्लू आता है। ग्लू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने एक बार ही यूज़ किया है, अच्छे से स्टिक हो जाता है एंड बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। सो ये जो है ये है CS 18। आपको 2-3 और वैरायटी मिल जाएगा इस पर। आप लोग मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस अगेन फॉल्स लैशेज। दिस इज़ फ्रॉम नायका एंड ये जो है इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़। मुझे इस पर शायद ऑफ़र मिल गया था। इस पर यह इसके साथ भी एक ग्लू आता है लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करूँगी, मेरे पास मिस क्लेयर का ग्लू है, मैं वही यूज़ करती हूँ। So this is it guys. If you like the video, so please like, comment and share. Subscribe करना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, always stay simple but be perfect.